26 अक्टूबर को बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया तो यूपी की सियासत में हलचल सी मच गई। बीएसपी के पास ना ही संख्या बल था और ना ही किसी से गठबंधन, लेकिन फिर भी बीएसपी ने रामजी गौतम को राज्यसभा भेजने के लिए बड़ा दाव खेल दिया। लेकिन अब बीएसपी के ही बागी विधायक पूरा खेल बिगाड़ने में लग गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसपी के 7 विधायक बागी हो गए हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ गुपचुप बैठक भी की है। असलम रैनी, असलम अली, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और वंदना सिंह बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले के खिलाफ चले गए हैं। यही नहीं, पार्टी के उम्मीदवार रामजी गौतम के 4 प्रस्तावकों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिससे रामजी गौतम के नामांकन पर ही संकट आ गया है। यहां तक कि रामजी गौतम का पर्चा भी खारिज हो सकता है। दरअसल बीजेपी 10 में से 8 सीट आसानी से जीत सकती है और 9वीं सीट भी जोड़ तोड़ से निकल सकती है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 8 उम्मीदवार ही उतारे, यानी एक तरह से बीजेपी ने बीएसपी उम्मीदवार को बैकडोर से समर्थन दे दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ऐसे में बीएसपी विधायकों ने बागी रुख इख्तियार कर बीएसपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये विधायक बीजेपी का घोषित समर्थन से नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। बागी विधायक हाकिम लाल ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, मायावती जी जो बीजेपी के खिलाफ थी अब बीजेपी का समर्थन चाह रही हैं और राज्यसभा चुनावों के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र से नए उम्मीदवार की तलाश कर रही हैं। मुझे अपमान महसूस होता है। अगर वो हमारी चिंताओं पर ध्यान देती हैं तो हम बसपा के साथ होने पर विचार कर सकते हैं। इस बयान से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बागी विधायकों की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, जिनके पूरा ना होने पर उन्होंने बागी रुख इख्तियार कर लिया है। मौजूदा गणित के हिसाब से बीजेपी के 8, SP का 1 और BSP का 1 उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा चुनाव जीत सकते थे, लेकिन ऐन मौके पर कॉरपोरेट अधिवक्ता प्रकाश बजाज ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में बीएसपी के लिए अब मुकाबला बेहद मुश्किल हो गया है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीएसपी की सुप्रीम लीडरशिप कैसे इस चुनौती से पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।